नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास पेशकश बोल पब्लिक बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में जिस तरीके से नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद से कई चीज़ों को लेकर जिक्र किया जा रहा है। सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन चल रहा है और छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वे सारी चीज़ों को देखते हैं और अपने नियोजन और रोजगार को लेकर कितने चिंतित हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जानने की कि आखिर उनकी इरादा क्या है, उनका मनसा क्या है और किस तरीके से आने वाले समय में वे अपने रोजगार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये जो कर रही है सरकार की शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं स्पष्ट बोले ना। राजभवन में बोलती है कि बाहरी शक्तियां, स्पष्ट बोले बाहरी शक्तियां क्या है। जब अपना जान का खतरा आता है, गिरफ्तारी का उस पर अटकरे लगती है तो कार्यकर्ता के माध्यम से वो पूरा आंदोलन करती है, मोराबादी को घेर लेती है। लेकिन जब यही छात्र नेता जब आते हैं आंदोलन के लिए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है हम पूछना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की अगर यदि गिरफ्तारी से उसको डर लगता है तो छात्र नेता लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अभी देखिए इतना छात्र यहाँ क्यों एकजुट हुआ है, इसका कारण क्या है, हेमंत सोरेन के सोचना चाहिए। अभी क्या कर रही है सरकार, सो रही है। यही मेरा कहना है कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बना के जितने भी नियुक्ति खाली पड़ी हुए हैं उसको सरकार जल्द से जल्द ले, अन्यथा इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आने वाले दिन में एक छात्र है आंदोलनकारी बन जाएंगे, नहीं नौकरी लेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा सरकार को इस झारखंड राज्य में बसने नहीं देंगे। झारखंड सरकार पूरा बैकफुट पे आ चुका है। जो लोगों की जनभूत जो जो चीज़ें जरूरत था वो चीज़ कर नहीं पा रहा है। सरकार के पास विजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता काम क्या करना है। धरातल कुछ चीज़ें उतर नहीं पा रही जो उन्होंने सोचा था। जिस स्टूडेंट जिस उद्देश्य लेकर सरकार को इस सरकार को बिठाया था उन भावनाओं को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया, जिस कारण ये है कि सब तमाम जनता और सब स्टूडेंट रोड पर आ चुका है। ये जन भावना लोगों का उमड़ता हुआ जा रहा है और कहां तक पहुंचेगी आगे देखने वाली बात। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आज पूरा झारखंड में खतियानी जहार करते जा रहे हैं, उसका ना ही कोई नोटिफिकेशन है ना ही कुछ है। अच्छा, हम लोग का नियुक्ति का जो नियमावली है खतियानी आधार पर कीजिए। क्यों जनरल खतियानी आधार पर नहीं है, जो मैट्रिक इंटर बाहर से किए उनको नहीं अप्लाई करने देंगे, ये कैसा नियम है? सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से हम लोग का एज पार होता जा रहा है। आज 3 साल, आज 2015 नोटिफिकेशन आया हुआ था, आज 2022 हो गया, अभी तक नियमावली तैयार नहीं हो पाया है। एक सरकार आया है विपक्ष का, हमेशा विपक्ष लेके पड़ा हुआ रहता है। हिंदुस्तान स्टूडेंट का जो मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विपक्ष का मुद्दा पर ध्यान दिए हुए। इसलिए अनुरोध है कि हम लोग को जल्द से नियमावली तैयार करें और एग्जाम जल्द से जल्द दे। निर्माण हो गया लेकिन 3 साल में लोग नियोजन नीति नहीं बना पाए। सोचे ये लोग का हाथ में देश का संविधान बनाने के लिए तो क्या होता, देश का संविधान कभी बनता, कभी नहीं बनता है लोग से। क्या बोलेगा आप कुर्सी पर, वही तो जमीन नेता जो होना चाहिए वो जनता के लिए होना चाहिए, जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों में तो सामर्थ्य नहीं है तब ना नहीं बना पाए, वरना वो जाता ही नहीं वो क्यों गए। आप लोगों का आयस अफसर नहीं है, वो जानबूझ के विवाद बनाया गया है कि नौकरी ना दिया जाए, नौकरी देने का मनता लोगों नहीं है, साफ नहीं रहा। देखिए सरकार जो नियोजन नीति के बारे में सोची है समझी है और बार बार छात्रों को उलझाने का कोशिश की है सरकार, ये सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। बार बार बोलती है कि बिहार का यूपी का, बोलती है कि बिहार वाले कर दिए यूपी वाले कर दिए, ऐसा कुछ है नहीं, वास्तविक कुछ है नहीं। सरकार झूठ के उलझाना चाहती है ना, इसलिए सरकार को नियोजन नीति सही से बना के लड़कों को जल्द से जल्द नौकरी देनी चाहिए। बार बार कभी शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये हम नौकरी देने का बात नहीं किए हैं, ये सबको हम दे नहीं पाएंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। आपके पास जो वैकेंसी है वो दीजिए, हम योग्य होंगे तो आएंगे और नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, इसमें क्या है। आप कुर्सी पर रहते हैं जो मन सो बोल के निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। कुर्सी पे है आप जो बोल के निकल जाते हैं ऐसा नहीं होता है। आप सामने आइए, सामने बात करिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। तो कहीं से भी अभी सरकार का कभी पेपर में मिल जाता है, कभी बोल देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट अध्ययन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आप आइए बात करिए और तत्कालिक इस पर निर्णय लीजिए कि क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। कभी कोरोना का बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। 2 साल पार हो गया,
2 साल ठीक है पार हुआ, लेकिन आपका पास 1.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसमें तो हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से बहुत परेशान हो चुके हैं अब, और हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर शांति तौर तरीके से हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। और हम लोग का सरकार से बस यही गुहार है कि आप ऐसा नियोजन नीति ना बनाएं जो हाई कोर्ट में जाकर ही दम तोड़ दे। आप पूरे एक कमेटी बिठाएं, कमेटी के परामर्श के हिसाब से आप पूरा झारखंड के हित में नियोजन नीति बनाएं, स्थानीय नीति बनाएं, और हम लोग का प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू करें। और गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो बोल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। वैसे ही हम लोग का उम्र जा रहा है, तो सरकार हम लोग का उम्र को देखते हुए, हम लोग का दर्द को समझते हुए हम लोग का थोड़ा सा साथ दे और नियोजन जो नीति है वो जल्द से जल्द उसमें सुधार करें और हम लोग का प्रक्रिया चालू करें। बस हम लोग का यही कहना है। जो अपने राजनीतिक होता है ना आरोप प्रत्यारोपण का, वो थोड़े के लिए सिंपल करें सर, आरोप प्रत्यारोपण ना करें। वो एक दूसरे पर थोपते ना, वो बीजेपी का चाल है, ये चाल है, जेएमएम का चाल है, ऐसा ना करें। एकदम उल्टो एकदम क्लियर एंड स्टॉप शासन चलाए, एकदम कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, सिंपल सा नियम लागू करें, एकदम फॉर्मेट जल्दी से जल्दी लागू करें। ये गुजारिश है सरकार से हम लोग। सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो नियोजन नीति है जल्द से जल्द लागू करें सही तरीके से, जो कहीं भी जाके सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट में ना फंसे। हम लोग का जो भविष्य खतरे में जा रहा है, एक तो हम लोग का एज पार हो रहा है, ना जॉब मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, हम लोग क्या फॉर्म ही भरते रह जाएंगे। सरकार कह रही है कि मुर्गी पालन करो, तो सरकार को जब इतना है मुर्गी पालन, तो अपने बच्चों को वो क्यों नहीं करा रही है? सरकार नियोजन नीति भी ऐसी बनाई कि जो जाके कोर्ट में फंस गई। अब बोल रही है सरकार कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील जो थे वो आके हाई कोर्ट में केस लड़े हैं, वो हार गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मतलब है? फिर से वही फंसेगा, नियोजन नीति केस पे केस आएगा, 2 साल ऐसे बीत जाएगा। हम लोग क्या पंचवर्षीय योजना लेके चल रहे हैं? सरकार के ना पास 5 साल है, हमारे पास नहीं है। हमारा एज और लिमिट है, वो चला जाएगा। प्रॉब्लम हम लोग को ये है कि सरकार हमेशा मतलब नियोजन नीति ही बनाते रहती है, टाइम से एग्जाम नहीं होता है, और एग्जाम डेट तो CGL जो JCC CGL का जो डेट है वो तो लगता है 2-3 बार कैंसिल हो चुका है। अभी भी डेट निकाला, जनवरी में एग्जाम होगा बोल के, फिर नियोजन नीति गलत हो गया, फिर एग्जाम फिर कैंसिल हो गया। इस तरह से हम लोग का एज भी पार होते जा रहे हैं। हम लोग फॉर्म ही भरते रह जा रहे, साल भर से बस फॉर्म ही भर रहे हैं और एग्जाम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि नियोजन नीति सही ढंग से बनाए और हम लोग का एग्जाम ले और हम लोग को नौकरी दे। जो हमारे हेमंत जी थे उनको पता था ये अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो रद्द होना ही है, उनको पता था। वो जानबूझ के वहाँ जाके वो रद्द करना ही था, उनको पता था ये। इसलिए वो दूसरों का भी जो बोल रहे हैं कि गैर नेता वाले जो कर रहे हैं ये गलत है, वो उनको पता था कि हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाएंगे तो वो बंद हो गई। और देखिए जिस तरह से हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, निकलता है वैकेंसी फिर भरते हैं फिर रद्द होता है, मतलब 5 साल से हम लोग का एज वही रहेगा। और मतलब क्या बोलेंगे, एज तो बढ़ता ही रहेगा लेकिन वैकेंसी एक एग्जाम लेने में उनको 5-10 हज़ार, तो पंचवर्षीय है। सोचिए थोड़ी थोड़ी है। वो 2015 में झारखंड पुलिस निकला, आज तक झारखंड पुलिस नहीं निकला, दरोगा नहीं निकला, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी जो निकला नहीं वो इतना 7 साल, 5 वर्ष से 10 वर्षीय हो जाएंगे। हमेशा सरकार आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हमेशा वैकेंसी वो अपना नीति निवेदन लागू करते ही रहेंगे, ये गलत चीज़ है। और ये बोलते हैं ना वो हम लोग को जॉब नहीं देना चाहते हैं, यहाँ वो चाहते हैं कि बेरोजगार ही रहें, वो उनका यही सोच है। अगर जॉब देना रहता तो एग्ज़ाम लेते, अब वो बार बार वो रद्द नहीं करते अगर लेना रहता तो। मैं जैसे वो बोलते हैं शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं कि सिर्फ जॉब से बने, आप बकरी पालिए सुअर पालिए, अरे जब हम लोग सुअर बकरी ही पालना था तो हम लोग उस बचपन से जब सरकारी स्कूल खुले उसमें वो शिक्षा देने के लिए बोलते हैं ना कि आप वहाँ पर यही सीखिए, ट्रेनिंग दीजिए इन लोगों को, पढ़ाई लिखने की जरूरत नहीं है, आने वाला कल में अपना वो बच्चे लोग को यही शिक्षा दे कि आप सुअर बकरी पालन करें, लोग यही सब करेंगे, पढ़ाई लिखेगा तो क्या? हम लोग मास्टर डिग्री की हुई हूँ मैं, अभी तो बेरोजगार हूँ, मेरे एज भी खत्म हो रही है, अगले 3 साल में एज मेरा खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, बैठ के क्या करूँगी, चूल्हा फूकूंगी। हम लोग का भविष्य कोई ये है ही नहीं, हम लोग क्या नागरिक नहीं है यहाँ का? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई का पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो गया, तब एंड मौका में एग्जाम ही नहीं होता है। मतलब हम लोग इतना दिन से क्या मूर्ख बने थे? मतलब ऐसी बस पढ़ते रहो दिन रात एक करके, कि हम लोग का भी तो योगदान रहे, हम लोग का भी तो सोचे कि हम लोग इस राज्य में हैं तो हम लोग का योगदान तो देना बनता है ना। हम लोग भी तो इस देश के लिए, हम लोग भी इस देश का तो नागरिक है ना, हम लोग को भी हक है इस देश के लिए योगदान देने का। बस हमेशा नीति अलग होती रहता है, हमेशा नया सरकार आएगा, हमेशा नीति चेंज करते ही रहेगा। बस हम लोग का लाइफ से खेल रहा है, हम लोग का एज थोड़ी ना बैठा हुआ है, इतना दिन रात करके हम लोग एक करके मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, पर भी
जैसे एग्जाम सामने आया पता चल रहा अचानक से एक सपने के जैसा कि अब एग्जाम होगा ही नहीं, मतलब सारा कुछ रद्द यहाँ पे किया जा रहा, मतलब कि झारखंड का कोई भी नीति अभी तक सही से बना ही नहीं है। जब हमेशा चेंज ही करना रहता तो सोच समझ के बनाना चाहिए था सरकार को, जब हम लोग के लिए कुछ कर सके ऐसा सरकार चाहिए हम लोग को। हमेशा हम लोग वोट दे के उनको जिताते हैं, हम लोग के हित के लिए अभी तक ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि हम लोग का उम्मीद ना टूटे, सरकार में हमेशा उम्मीद बने रहे। नियोजन नीति जो अभी चल रहा है उसको कोर्ट तक नहीं पहुँचने देने के लिए उस न्यायालय तक नहीं, एक टाइम का बर्बाद है, एक साल लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, फिर पता चले कि ये मतलब कि फिर रद्द हो गया कुछ का, और इस तरह से टाइम ज़्यादा हम लोग का लेस हो जाएगा। 5 साल की तैयारी कर रहे तो छात्र लोग का स्टूडेंट लोग का बहुत नुकसान होता है ना इस तरह से। अभी तक 5 साल हुआ सरकार बनने हुए, सरकार में अभी मतलब कि कोई भी वैकेंसी एक भी नहीं लिया है सरकार ने। सरकार सर जिस तरह से हम लोग लगातार 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं और ये सरकार अब घटिया से घटिया जो नियोजन नीति ला रही है, और उन्हें को ये चीज़ भी पता था कि जो भी न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस चीज़ को पता था कि ये कहीं ना कहीं जाके ये पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो खामियां हैं तो इस खामियों को दूर किया जाए और संवैधानिक रूप से जो फिर से नया नियोजन नीति लाया जाए और जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि हम लोग कोई अडानी अम्बानी घर से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही हमारे माँ बाप वो सपने देखे हैं और हम लोग ये सपने पूरा करने के लिए अब इतने दूर से यहाँ आए हुए, तो हमसे मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर नया नियोजन नीति लाए और इसको पारित करें। नियोजन नीति को लेकर हम लोग का यही सोच है कि सरकार जो भी कानून बनाती है ना एकदम बेबुनियाद बनाती है, एकदम हम लोग के लिए सही नहीं है, और नियोजन नीति हम लोग चाहते हैं कि एकदम संवैधानिक बने जो टिके, एकदम फेलियर ना हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो फिर पता चलता है कि रद्द हो गया है, नियोजन नीति ना रद्द हो गया है, तो यही इसमें इसी हम लोग में जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है कि सर सुप्रीम कोर्ट ना जा करके हेमंत सोरेन जी, यही हम लोग का जो भी होगा ये हाईकोर्ट में ही फिर से नियोजन नीति बना के, और जो 4 साल से हम लोग को ठगा जा रहा है वो ना ठग के एक अच्छी तरह से नियोजन नीति बनवा के तुरंत, और हम लोग को बहाली के लिए जो एग्ज़ाम निकला है जो निकलेगा उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी चाहिए, और हम लोग को तुरंत से तुरंत बहाली के लिए आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए जिससे हम लोग का भविष्य सुधर सके। आप अगर किसी बच्चे को 18, 19, 20, 21, 22 5 साल से किसी को जॉब नहीं दीजिएगा उसके ऊपर क्या बीतेगा, वो अगर घर में रहता है बाहर में रहता है चाहे कहीं से भी पढ़ता है चतरा धनबाद कहीं से भी आ रहा है उसका तो खर्चा होता है ना बाहर में रहने के लिए, अब बताइए अगर हम लोग को वैकेंसी नहीं दीजिएगा हम लोग को बाहरी नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे, बाहर में कैसे आगे चलेगा, झारखंड का भविष्य क्या दिखेगा। जो नियोजन नीति बनी है उसमें सिर्फ संशोधन की बात होनी चाहिए, वो जो चीज़ को हाईकोर्ट ने रद्द किया जिस पैरामीटर को लेकर उसको आप हटा दीजिए, उसको एडिट कीजिए और उस एडिट करके उसको फिर से लागू कीजिए, कहाँ पे यहाँ पे फिर नए तरीके से आप नियोजन नीति बनाने की सोच रहे हैं, और आप ऐसे नहीं होगा, नियोजन नीति बनी हुई है उसमें सिर्फ संशोधन मात्र जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रुख क्या होगा, आपका रुख आगे क्या होगा, किस तरीके? हमें लगता है कि अभी हम लोग बहुत धीमे धीमे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी गहरी होगी, ये इतना मजबूत आंदोलन होगा कि मुझे लगता है बच्चा बच्चा तक को हम लोग ये बता देंगे कि सरकार ने कितना बड़ा घिनौना काम यहाँ के युवाओं के साथ किया है, जिनके बदौलत ये सत्ता तक पहुँचे हैं उन्हीं को सबसे पहले भूल जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कार्य है हम युवाओं के साथ, और ये लोग अय्याशी का अड्डा बना चुके हैं विधानसभा को अपने ऑफिसों को, मुझे लगता है इनको तत्काल प्रभाव से कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं सकते हैं ब्रिटेन का एग्जाम्पल देखिए, वहाँ लिस्ट्रस एग्जाम्पल है इस बात का कि 40 दिनों के भीतर भीतर उन्होंने जब वहाँ के जनता का अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मुझे लगता है ये सीखना चाहिए इन लोगों को जो सत्ता के कुर्सियों में चिपक के इस तरह से बैठते हैं, लगता है इनके बाप की खैरात है वो। और शिबू सोरेन के लिए 2 शब्द हम कहना चाहेंगे कि उनको लगता है कि ये सही काम हो रहा है तो फिर वो ये बात आके बोल दें कि जिस प्रकार का उन्होंने झारखंड का सपना देखा था क्या उनका ये पुत्र जो पुत्र मोह में ये बैठे हुए हैं वो पूरा कर रहे हैं। नियोजन नीति जल्दी से बनाओ यही हमारा कहना है, नहीं तो एक एक व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जुलूस के शक्ल में विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे और हमको शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे, और हम आपके माध्यम से
सरकार से जो है सो आग्रह करेंगे कि 15 दिन के अंदर आप नियोजन नीति में सुधार करके हम लोगों का परीक्षा ले लीजिए, हम लोगों को नौकरी दे दीजिए। हमको राजनीति नहीं करना है, हम राजनीति नहीं चाहते हैं। मनोज जी, आप लगातार छात्रों के हित में भी काम करते हैं, खुद भी काफी आपने वो बढ़ चढ़ कर किया है, इस बार क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि लगातार 20-22 सालों से छात्र पिसते आ रहे हैं, चाहे JPSC का मामला हो, नियोजन का मामला हो, बाकी सारे परीक्षाओं को लेकर चर्चा होती है। आप आगे क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हम बता रहे हैं कि मैं इसके पहले हम साल भर जेल में रह चुके हैं, यही छात्रों के आंदोलन के लिए मैं साल भर जेल में रह चुका हूं। आप बता रहा हूं मैं पिछले 10-12 साल से आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन मैं उतना हक नहीं दिला पा रहा हूं और फिर वो गड़बड़ियों को नहीं रोक पा रहा हूं, ये मुझे बहुत दुख है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, महात्मा गांधी 17 में राजनीति किए शुरू और 47 में देश आज़ाद हुआ, हम तो अभी 10 साल किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सभी छात्रों को हक दिला के रहूंगा, इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी और अगर यदि 2-5 साल और जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली सभी छात्रों को हक दिला के। हम लोग का सरकार अगर ये नियोजन नीति वापस नहीं लेती है, अगर ये जो है सुधार नहीं करती है, जब तक सुधार नहीं करेगी तब तक हम लोग छात्र एकता आंदोलन करता रहेगा। जो गलत सरकार जो नियोजन नीति बना रही है उसके खिलाफ बस हम लोग आवाज अपना हिंसात्मक तरीके से अपना आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बार बार की गलत नियोजन नीतियां हैं उनको मनाना बंद करें, ताकि जो छात्रों को जो तकलीफ झेलना पड़ रहा है हर वर्ष वो उससे वो बचे। मुझे लगता है ये सरकार के लिए सोचने वाली बात है। शिक्षा मंत्री ने विगत पिछले दिनों जिस तरह का बयान दिया है, मुझे लगता है ये किसी भी तरीके से संवैधानिक भी नहीं है और युवाओं के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के ये सरकार विधानसभा पहुंची थी, हमने उन्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया था, वही चीज़ भूल गए। हम युवाओं के कंधे पर जिस तरह की जिम्मेदारी देकर उन्होंने सत्ता को हासिल किया है, उसके बाद जिस तरह से ये पलट गए, मुझे लगता है इतनी घिनौनी कुकर्म तो एक मतलब जो लीडर नहीं कहे जा सकते हैं। उन्होंने लीडर हो के उन्होंने इस तरह का गंदा काम किया है। मुझे लगता है जगन्नाथ महतो को माफ़ी मांगनी करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एक संवैधानिक सम्मत और युवाओं के पक्ष वाली एक नियोजन नीति बनानी चाहिए और जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि हम लोग सड़कों में ना दिख कर अपने कॉपी किताब में ध्यान दे पाएँ। अब सभी लोग जाग चुके हैं, अब आप सोचिएगा कि मूर्ख बना के किसी तरह का नियोजन नीति ला के और हम जो है सो उसको फंसा देंगे, 4 साल रोक देंगे, वो अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्पेशल ब्रांच के हम दिए थे सर, उसमें क्या हुआ कि रिजल्ट आना बाकी था। अब जो लड़का का लास्ट एज बचा हुआ था, हमको 28 साल वहाँ पे दिया गया था बाबू की जो ये स्पेशल ब्रांच में, वो मेरा लास्ट था सर कि चलो भाई जितना मेहनत हो, ये अंतिम भाई समय दिया जा रहा है तो अच्छा से मेहनत किया जाए। उसमें हमने अच्छा से मेहनत भी किया सर, लेकिन जब रिजल्ट आने के बारे आया तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। और अभी जब नेक्स्ट बार वो वैकेंसी को निकाला जा रहा है, अब मान लीजिए उसमें एज नहीं मिलेगा सर, तो हम लोग फिर क्या क्या करेंगे बताइए? लेकिन हम प्योर चार खड़े हैं, मेरी माँ इतना गरीब है, आप मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा सर। यहाँ मेरे आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन सब छात्रगण और स्टूडेंट लोगों का कहना था नहीं बाबू तुम्हारे दर्द है या जो भी परेशानी है तुमको वहाँ जाकर दिखाना होगा, तब जाकर उन लोग बिलीव करेंगे। होता क्या कि भाई अभी जब हम आ रहे थे एक स्टूडेंट आनंद जा रहा था, हम उनको बोले भाई ये हम लोग का वहाँ पे बात है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हमारे बात को कौन सुनेगा? ठीक है, बस इसलिए सर हम ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं हम कि एज जो मेरा लास्ट था 28 साल तक दिया जा रहा था, और अब सरकार का कहना है कि एज में छूट नहीं मिलेगा, फिर हम फॉर्म को कैसे भर पाएंगे? ठीक है, तो उस बारे में ज़रा विचार करें कि आप रिजल्ट को नहीं निकलाएं, जो लड़का वंचित रहा मतलब जो पास होने का था आप नहीं निकलाएं, पर उसका एज तो वहाँ पर रुका हुआ नहीं रहा, अब तो एज उसका आगे निकल गया, तो अब फिर उसको समय नहीं देंगे सर, एज को नहीं बढ़ाएंगे, फिर वो फॉर्म कैसे भरेगा? जो हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी है वो कहते हैं कि बच्चा सबका एज निकला जा रहा है तो हम क्या करें। अरे भाई हमारे जो हैं बच्चे उसको आप उसका दर्द को समझिए, यहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, किसी के माँ बाप को सब्जी बेचते हैं, किसी के माँ बाप धान बेचते हैं, कितने मुश्किल से यहाँ 4-5 से 2 टाइम का किसी तरह से खाना जुटा के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, 7-7 घंटा रूम में रह के तैयारी कर रहे हैं, और सरकार हम छात्रों के साथ खिलवाड़ किए जा रहा है। इसलिए हम छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द नया नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू किया जाए और छात्रों को बाहर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाएंगे, वो हमारे बड़े भाई समान हैं, वो झारखंड के माटी के लाल हैं,
माननीय हमारे जो आंदोलनकारी शिव सोरेन जी गोमके हैं, उनके पुत्र हैं, उनके रगों में ऐसे खून कैसे दौड़ सकता है जी? हमारे युवाओं के दर्द को नहीं समझ रहे हैं आप। एसी में बैठे उस रूम में कैसे आप समझ पाइए एक बूढ़े माँ बाप का दर्द को, जो अपने रेडी पटरी का काम करते हैं, रोड में सब्जी बेचकर अपने बेटे को पैसा भेजते हैं, मुश्किल से कितने साल पढ़ाएंगे अपने बेटे को? आपका कार्यकाल होता है 5 साल, 3 साल उसमें से बीत चुका है, आप बोलते हैं अभी और हमको समय चाहिए। आपका कार्यकाल 10 साल बढ़ा दें, आप क्या बोल के आए थे? 5 लाख नौकरी देंगे, कम से कम आप 50,000 दे दीजिए हमें, उसमें भी हम लोग सुख है, लेकिन आप कम से कम कीजिए तो कितनी नौकरी दी आप, उतना हमको ब्यौरा दीजिए। आप चलते हैं एक गाड़ी में चल रहा था आपको, उसमें भी कमी हो गया, फॉर्च्यूनर चाहिए आपको, अरे हमको तो आप साइकिल में चलने लायक भी नहीं रखे आप, इतना कम से कम दीजिए। एक बूढ़े माँ बाप का दर्द है कि उनको सेवा कर सके हम उसको, इसीलिए इस दर्द को समझिए आप, कितना हट धर्मिता आप अपना सकते हैं। आप झारखंड के माटी के लाल हैं तो कम से कम हम लोग का दर्द को समझिए। आप जितना बीत गया है, बाकी समय में जितने बचे हुए कार्यकाल हैं, छः महीना पहले तो आपका आचार संहिता लग जाता है, आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 साल है, तो उसमें से आप इन युवाओं का रोजगार दे करके उनका दिल जीतिए और कम से कम आने वाले दिन में सत्ता में बैठने के लिए आप उस तरह का काम कीजिए ताकि हम आपको दोबारा वोट दे सकें। और आपसे विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया हमारे दर्द को समझिए। पहली बात यह है कि ये जो आज हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, भूखे पैसे खड़े हैं, हम लोगों के साथ न्याय ही नहीं हुआ, अन्याय हुआ है सरासर। इस चीज़ को सरकार को समझनी चाहिए कि झारखंड राज्य की युवा बेवकूफ़ नहीं है। 3 साल आप कोरोना और फलाना ढकाना करके समय बर्बाद कर दिए, अब जब युवाओं को रोजगार देने की मौका आया तो ये सरकार जिस तरह से लॉलीपॉप थमा दिया हाथ में, नियोजन नीति जो सरासर गलत था इसको कैंसिल किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट भी हम लोग के साथ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कैंसिल करना था तो 3 महीने बाद क्यों, 6 महीने पहले ही आप कैंसिल करते। लेकिन आज जो हो रहा है झारखंड के युवाओं के साथ, सड़क पर उतरने पर हम लोग बेबस हो गए हैं। हम लोग यहाँ बेवकूफ नहीं है, हम लोग ना नेता है ना कोई बड़ा हम लोग का जमींदारी है, हम लोग छात्र हैं, हम लोग बिल्कुल अपने आक्रोशित मार्ग जो आज देख रहे हैं आप, हम लोग जो है यहाँ आए हैं सरकार को, निकम्मी अंधी बहरी सरकार को आवाज़ सुनाने आए हैं। इतना ही लोग बोले, आज 22 साल होने जा रहा है ये झारखंड का, हमारा बच्चा लोग बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अगर बिहार होता एक खान सर ये कर लिए, पूरा रेलवे ये हो गया, और हमारा बच्चा लोग बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। आप भभू भी मानिएगा, भैंसुर भी होइएगा, घूंघट भी नहीं लीजिएगा, नियम कानून बना देते हैं और मैंने बच्चा लोगों को जिंदगी बर्बाद कर। 22 साल में कितने नौकरी दिए आप? कुछ नहीं, खाली बुड़बक बनाते हैं झारखंड को। हम गार्जियन के हैसियत से आपको बोलते हैं, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, ये आप मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुँचने के धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन चल रहा है, और जिस तरीके से राज्य में छात्रों के साथ साथ तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के युवाओं का भविष्य क्या होगा और किस तरीके से राज्य में युवाओं को नौकरी मिल पाएगी, उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राज्य में हालात हैं उसमें अभी भी कहा जा सकता है कि छात्रों के सामने कई असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसका जवाब राज्य के हेमंत सरकार को देना है। आज की इसके पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।